अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन स्टू। हमने लिया है 1.5 किलो चिकन, 5 टमाटर मोटे टुकड़ों में कटे हुए, 7 से 8 प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची 10 से 8, 10 से 8 लाल मिर्ची, 2 टीस्पून चिकन मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और खड़े मसाले। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे खड़े मसाले। अब इसमें डालेंगे हम प्याज, हमारी प्याज हो गई है, इसमें हम चिकन डालेंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, इसको अब हम चलाएंगे। चिकन का कलर अलग हो गया है, अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसको हम चलाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। चिकन गोल्डन हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। अब डालेंगे मसाले, अब हरा धनिया, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, मिक्स करेंगे इसको। कवर करके इसको मीडियम फ्लेम पर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो गई है, अब हम इसको देखेंगे हमारा चिकन हुआ है या नहीं हुआ है। प्याज टमाटर गल गए हैं, अब इसमें दही डालेंगे। अब इसको भी मिक्स करेंगे। दही हमने इसलिए बाद में डाली, इससे टमाटर प्याज नहीं गलते। अगर पहले दही डाल देते तो। अब इसको फिर से 5 मिनट के लिए फिर से कवर कर देंगे। 5 मिनट हो गई है, चिकन को चेक करके देखेंगे अब पक गया है या नहीं। अच्छे से गल गया है, हमारा चिकन रेडी है। अब हम हरा धनिया डालेंगे, अब इसको भी अच्छे से चलाएंगे। हमारा चिकन स्टू तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें।